तो ये कहानी है जापान में रहने वाले डेंजी की। हम देखते हैं डेंजी सोया हुआ होता है। डेंजी सपना देख रहा होता है जो एक सुनसान गली में फंसा हुआ होता है। डेंजी उस गली से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उस गली से बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढता है। तभी उसे एक दरवाजा दिख जाता है। जैसे ही डेंजी उस दरवाजे को खोलने जाता है, डेंजी अचानक से उठ जाता है। तभी डेंजी अपने काम के लिए बाहर निकल जाता है। डेंजी के सर पे बहुत ज्यादा कर्ज होता है, जिसे वो चुकाने के लिए 60,000 के पेड़ काटकर बेच चुका होता है। उस कर्ज को चुकाने के लिए डेंजी ने 12 लाख में अपनी एक आंख, 3 लाख में अपनी एक किडनी और 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल बेच चुका होता है। उसके बाद डेंजी अपने फोन में चेक करता है कि उसके ऊपर कितना कर्ज बाकी है। डेंजी अकेला नहीं रहता, उसके साथ उसका पेट पोचिता भी साथ में रहता है। डेंजी अपना कर्ज चुकाने के लिए पार्ट टाइम डेविल हंटर का भी काम करता है। डेंजी डेविल्स को मारने के लिए पोचिता का इस्तेमाल करता है। पोचिता एक चेन सो डेविल होता है, जिसकी पूंछ खींचने पर पोचिता चेन सो जैसा काम करता है। आसपास डेविल आने पर पोचिता भौंकने लगता है। तभी डेंजी कहता है, पोचिता लगता है हमारे काम का वक्त आ गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक टोमेटो डेविल आ जाता है। डेंजी पोचिता की पूछ खींचकर चेनसो को स्टार्ट कर देता है और उस टोमेटो डेविल को मार देता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो कहता है, इस टोमेटो डेविल के ऊपर 4 लाख येन का इनाम है जो कि तुम्हें मिलेगा। तभी डेंजी बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसका कर्जा जल्दी ही निपट जाएगा। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, मैनेजमेंट फी और एडमिन की फीस और बाकी कॉस्ट काट कर तुम्हें मात्र 70,000 भी मिलेंगे। तभी डेंजी वो चुपचाप पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी डेंजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डेंजी के फादर ने याकूजा गैंग से बहुत बड़ा कर्जा लिया था और वो उस कर्जे को चुका नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। डेंजी अपने फादर को दफना रहा होता है। तभी याकूजा गैंग का मेंबर आकर उसे कहता है, सुनो बच्चे, तुम्हारे फादर ने बहुत बड़ा कर्जा लिया था जो मुझे वापस चाहिए। अब वो मर चुका है तो तुम ही उसका कर्जा चुकाओगे। अब तुम चाहे भीख मांगो या चोरी करो, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, वो भी कल तक। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डेंजी बारिश में भींग रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करेगा, क्योंकि वो कल मरने वाला था। डेंजी भी खुदकुशी करने के बारे में सोचता है, मैं क्या करूं? मैं इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका सकता। अगर मैं मर जाऊं तो कम से कम मैं इस कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। डेंजी बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वो सोचता है वो इतना बड़ा कर्ज कहां से चुकाएगा, वो कल मरने वाला है। तभी वहां पर एक छोटा सा डेविल आ जाता है, वो पोचिता होता है। डेंजी उसकी तरफ देखता है। पोचिता की हालत बहुत बुरी रहती है और वो भी मरने वाला होता है। डेंजी को अपने जैसे फीलिंग आने लगती है कि मैं भी मरने वाला हूँ और ये भी मरने वाला है। तभी डेंजी को याद आता है कि डेविल्स इंसान का खून पी लेने से जिंदा हो जाते हैं। तभी डेंजी पोचिता को एक ऑफर करता है, सुनो डेविल, तुम मुझे बाइट कर सकते हो और तुम जिंदा बच सकते हो, लेकिन मैं तुमसे इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। मैं अपना कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा और बदले में मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। पोचिता आकर डेंजी को बाइट कर लेता है और पोचिता बच जाता है। तो इस तरीके से डेंजी को पोचिता मिलता है। अगले ही दिन डेंजी पोचिता के साथ एक छोटे से डेविल को मार देता है और याकूजा गैंग के मेंबर से कहता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा, तुम मुझे डेविल हंटर के तौर पे हायर कर लो। तभी याकूजा गैंग का मेंबर सोचता है, ब्लैक मार्केट में डेविल्स की बहुत अच्छी कीमत मिलती है और इस तरीके से मेरा सारा कर्जा भी चुका देगा ये लड़का। याकूजा गैंग का मेंबर डेंजी को काम पे रख लेता है। टोमेटो डेविल को मारने के बाद डेंजी के हाथ में जो 70,000 बचते हैं उससे डेंजी सोचता है, इससे तो मेरा पानी का और बिजली का खर्च ही निकल जाएगा और मेरे पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। तभी डेंजी के सामने याकूजा गैंग का एक मेंबर आता है और वो डेंजी को कहता है, सुनो बच्चे, अगर तुम इस सिगरेट को निगल जाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। डेंजी ये सुनकर खुश हो जाता है और डेंजी उस सिगरेट को लेकर अपने मुंह में रख लेता है। याकूजा गैंग का मेंबर उसका मजाक उड़ाते हुए 100 रुपए उसे दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद डेंजी अपने मुंह से वो सिगरेट निकाल कर थूक देता है। डेंजी जंगल में अकेला शहर से दूर एक शेड में रहता है। तभी डेंजी सोच रहा होता है, मैं इन सभी कर्जों को कैसे चुकाऊंगा, और डेंजी ब्रेड खा रहा होता है। डेंजी को हाल ही में किसी से पता चलता है कि ब्रेड को जैम के साथ खाया जाता है। डेंजी टीनेजर्स होता है, वो सोच रहा होता है कि काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती, मैं भी उसके साथ गेम खेलता, उसके साथ बातें करता और काश मैं भी उसके साथ घूमने जाता, और जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते और जब रात आती तो हम दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते। ये सब चीजें डेंजी के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। फिर डेंजी सोचता है, मेरे पास सिर्फ एक पेट है जिसका नाम पोचिता है और मैं बस इसी के साथ ही रहता हूँ। खैर, जैसा भी हो, ये मेरे साथ रहता तो है,
मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। डेंजी अपने कर्जे के बारे में सोचते सोचते सोने लगता है, पर भूख के कारण वो सो भी नहीं पाता है। तभी डेंजी अचानक से उठ जाता है और खांसने लगता है। खांसने के कारण उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। अपने हाथों में ब्लड देखकर डेंजी सोचने लगता है, मेरी मॉम को भी एक बीमारी थी जिसके कारण वो खांसते थे और उनके मुंह से भी ब्लड आ जाता था। लगता है वो दिल की बीमारी मुझे भी है। लगता है मैं भी बहुत जल्दी ही मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं डेंजी का कोई दरवाजा खटखटाता है। वो याकूजा गैंग का एक मेंबर होता है और वो उसे डेविल मारने के लिए कहता है। डेंजी पोचेता को लेकर उस याकूजा गैंग के मेंबर के साथ डेविल मारने के लिए चला जाता है। डेंजी को वो ओल्ड मैन एक टूटे फूटे फैक्ट्री के अंदर लेकर जाता है और वो उसे कहता है, वो डेविल यहीं पर है, तुम्हें उसे ही मारना है। तभी डेंजी ओल्ड मैन से पूछता है, वो डेविल कहाँ है? क्या वो कहीं छुपा हुआ है? क्या मुझे उसे ढूंढ कर मारना होगा? वो ओल्ड मैन उसे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। डेंजी उस ओल्ड मैन को फॉलो कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन रुक जाता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी एक ज़ॉम्बी डेंजी के पीछे से आकर डेंजी के छाती से तलवार आर पार कर देता है। वो तलवार डेंजी की छाती को चीरते हुए पोचिता के भी आर पार हो जाता है। तभी डेंजी कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक ज़ॉम्बी डेविल हो। तभी एक ज़ॉम्बी डेविल अंधेरे के पीछे से निकलता है और वो कहता है, मुझे इंसानों से बहुत नफरत है और वो खासकर डेविल हंटर से जो डेविल्स को मार देता है। मैं सारे इंसानों को ज़ॉम्बीज बना दूंगा। याकूजा गैंग का लीडर एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट रखता है कि तुम हम लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दो, इसके बदले में तुम हमारी बॉडी ले लो। लेकिन वो ज़ॉम्बी डेविल धोखेबाज होता है। वो याकूजा गैंग के सारे मेंबर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और पूरे शहर से सारे डेविल्स हंटर को मार देना चाहता है, जो कि डेंजी भी एक डेविल हंटर होता है, इसलिए वो डेंजी को भी मारना चाहता है। डेंजी की छाती में तलवार घुस जाने के कारण भी डेंजी पोचिता को लेकर वहां से भागने लगता है। सभी ज़ॉम्बी डेविल्स उसके पीछे भागने लगते हैं। डेंजी ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है। ज्यादा खून बह जाने के कारण डेंजी गिर जाता है और एक ज़ॉम्बी उसे गिराकर चाकू से बार बार स्टैब करने लगता है। डेंजी बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। डेंजी अब मरने ही वाला होता है। तभी डेंजी सोच रहा होता है, मुझे तो अमीर बनने का भी कोई शौक नहीं था, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ चाहता था। मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, मैं उसके साथ घूम सकूं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बढ़िया खाना खा सकूं, वीडियो गेम्स खेलूं, पार्क में जाऊं और चैन की नींद सो सकूं। लगता ये सपना भी मेरा सपना ही रह जाएगा, अब मैं मरने वाला हूँ। सारे ज़ॉम्बीज डेंजी और पोचेता को मारकर कूड़े के ढेर में फेंक देता है। कूड़े के ढेर में पड़े रहने के कारण ज़ॉम्बी का एक ड्रॉप ब्लड पोचेता के मुंह में आकर गिरता है और पोचेता होश में आने लगता है। तभी पोचेता को याद आता है, जब सुबह सुबह डेंजी पोचेता को उठाकर पेड़ काटने जाया करता था, तब काम करने के बाद डेंजी अपनी दिल की बात शेयर करता है। सुनो पोचेता, लगता है मैं सारा जिंदगी अपना कर्ज ही चुकाता रह जाऊंगा और मैं अच्छे से अपनी लाइफ जी नहीं पाऊंगा। अगर ये सारा पैसा नहीं मैं चुका पाया तो कहीं याकूजा गैंग का मेंबर मुझे मार न दे और मेरे मर जाने के बाद पता नहीं तुम खाओगे कैसे, तुम्हें कौन खाना देगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है और एक दिन तुम भी किसी डेविल हंटर के हाथों मारे जाओगे। लगता है ऐसा ही लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने सुना है पोचेता, डेविल्स इंसानों की बॉडी पर भी कब्जा कर लेते हैं जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और डेविल्स और इंसान एक हो जाते हैं। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो पोचेता? पोचेता एक पेट की तरह होता है जिस कारण वो भौंकता है। तभी डेंजी कहता है, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, खैर जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, जल्दी ही ये दिन भी खत्म हो जाएगा। तभी पोचेता होश में आने लगता है। पोचेता प्रेजेंट टाइम में भी यही करता है। वो डेंजी के बॉडी से कंबाइंड होने लगता है। तभी पोचेता और डेंजी आखिरी बार बात कर रहे होते हैं, जिसमें पोचेता भी इंसानों की तरह बोल रहा होता है। वो डेंजी से कहता है, सुनो डेंजी, मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर रहा हूं। मैं बस तुम्हें जिंदा कर दे रहा हूं। और जैसा तुम चाहते थे डेंजी, तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, मैं भी वही चाहता हूं जो तुम्हारा सपना था। तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो जिंदा रहकर, समझ गए तुम, यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तभी हम देखते हैं डेंजी उठ खड़ा होता है। डेंजी के पास एक डेविल हार्ट होता है जिसके कारण उसका आंख, किडनी और टेस्टिकल्स दोबारा से ठीक हो जाते हैं। एक डेविल हार्ट होने के कारण डेंजी अपनी बॉडी की तरफ देखता है। तभी उसे पता चलता है उसके छाती से एक चेन निकली होती है जो कि पोचेता के पीछे की पूंछ होती है, जिसे डेंजी खींचकर उसे स्टार्ट किया करता था। तभी हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज को डेंजी को मारने को कहता है। डेंजी मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस याकूजा गैंग के पास तो बहुत सारा पैसा था और इन लोगों की लाइफ तो बहुत अच्छी थी, फिर इन लोगों ने डेविल से क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया। तभी डेंजी को एक बात पता चलती है कि किसी भी इंसान को कितना भी कुछ क्यों न मिल जाए, इंसान को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता। वो सारे डेविल्स डेंजी की ओर बढ़ते हैं। तभी डेंजी अपने आप को बचाने के लिए अपने चेस्ट में लगी पोचेता की पूंछ को जोर से खींचता है और तभी हम देखते हैं डेंजी के सर के ऊपर और उसके दोनों हाथों से चेन सो बाहर आती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए डेंजी उन ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता है और सारे ज़ॉम्बीज को बहुत बुरी तरीके से काटने लगता है। मैं तुम सबको
खत्म कर दूंगा। तभी वो जॉम्बी डेविल अपने सारे जॉम्बीज को डेंजी को मार देने को कहता है। सारे जॉम्बीज डेंजी की तरफ बढ़ते हैं और डेंजी गिर जाता है। तभी डेंजी दोबारा चेन सो स्टार्ट करता है और उन सारे जॉम्बीज के लाशों को चीरते हुए जॉम्बी डेविल को अपने चेन सो से बीच से चीर देता है। जॉम्बी डेविल के मर जाने के बाद डेंजी सोचता है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पैसों का कर्ज है और ये याकूजा गैंग सभी के सभी यहीं पर है। अगर मैं इन सबको मार दूं तो मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझसे कर्ज लेने वाले ही नहीं रहेंगे। और याकूजा गैंग भी चाहता था कि मैं डेविल्स को मारूं और ये लोग भी डेविल्स बन गए हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इन सब की गर्दन उड़ा दूंगा। तभी डेंजी अपनी चेस्ट की चेन दोबारा खींचकर चेन सो स्टार्ट करता है और सारे जॉम्बीज को मारने लगता है। डेंजी सारे जॉम्बीज को मारते हुए बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और एक एक करके वो सारे जॉम्बीज को खत्म कर देता है। तभी कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और उस फैक्ट्री के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से पब्लिक सेफ्टी डेविल्स हंटर के मेंबर बाहर निकलते हैं। ये पब्लिक सेफ्टी डेविल्स हंटर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम माकीमा होता है। फैक्ट्री के अंदर इंटर कर जाने के बाद माकीमा देखती है लाशों के ढेर के बीच में डेंजी खड़ा होता है। माकीमा के साथ जो मेंबर्स होते हैं वो माकीमा से कहते हैं, मुझे लगता है ये भी एक डेविल है, हमें इसे भी मार देना चाहिए। लेकिन माकीमा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। माकीमा अपने लोगों से कहती है, ना तो ये डेविल है ना ही ये इंसान है। तभी माकीमा डेंजी के पास आती है। डेंजी बहुत थका होता है सारे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद, वो बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी डेंजी बहुत धीरे से कहता है, मुझे पकड़ो, मैं गिरने वाला हूँ। तभी माकीमा डेंजी को गले लगाकर पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं डेंजी का चेन सो पिघलने लगता है। डेंजी जमीन पर लेट जाता है। माकीमा डेंजी से पूछती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें डेविल समझकर मार सकती हूँ या तो मैं तुम्हें अपना पालतू बना लूँ, क्योंकि ना तो तुम इंसान हो और ना ही कोई डेविल, तो बोलो तुम क्या करना चाहते हो। डेंजी मरना नहीं चाहता था, इसीलिए डेंजी माकीमा से पूछता है, मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा। तभी माकीमा डेंजी को बताती है, सुबह सुबह तुम्हें ब्रेड जैम मिलेगा और कॉफी, और खाने में अच्छा लंच, हो सके डिनर में भी तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, और खाने के बाद तुम्हें मीठे में भी मैं कुछ दूंगी। ये सब कुछ डेंजी को एक सपना जैसा लगता है जो कि वो सोचा करता था, एक अच्छी लाइफ और एक अच्छा खाना। माकीमा का ये ऑफर सुनकर डेंजी तुरंत हाँ कह देता है और वो माकीमा का पालतू होने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर डॉग एंड चेनसो खत्म हो जाती है। Hey guys, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसका अगला ही वीडियो जल्दी आएगा, तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।